अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सना आमिर, किचन विद सना आमिर के साथ ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मिठाई जो बहुत ही इजीली घर पर बना सकते हैं आप और बहुत ही क्विक बन जाती है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 कप पिसा हुआ खोपरा चाहिए, 1/2 कप दूध चाहिए और 1 कप हमें चीनी चाहिए, इलायची पाउडर चाहिए, 2 इलायचियाँ लेकर मैंने इनको पीस लिया है, और 1 टीस्पून हमें चाहिए मेल्टेड घी। इसके अलावा हमें मिठाई को कोट करने के लिए चाहिए खोपरा पिसा हुआ, फूड कलर लिया हमने ग्रीन, और यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपके पास ये आपने दूध लिया हुआ है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घी डालेंगे हम, फ्लेम बिल्कुल, हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बनाना है। खोपरा डाल देंगे और इसको बस 1 से 2 मिनट तक चमचा चलाएंगे ताकि घी की अच्छे से इसमें स्मेल आ जाए। अगर आपने ज़रा भी इसको मीडियम या हाई इस वक्त फ्लेम किया तो हमारा खोपरा जो है वो लग जाएगा और फिर इसमें जलने की स्मेल आ जाएगी, क्योंकि खोपरा बहुत जल्दी अपना कलर चेंज करता है। दो मिनट हो गए, अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसको चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे जब तक इसमें दूध अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। दूध डालने के बाद अगर आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पर इसको बना सकते हैं, लेकिन दूध डालने के बाद। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे दोबारा अब हम लो कर देंगे और इसको बनाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, ये देखें, हमें चमचा मुसलसल चलाते रहना, इसे छोड़ना नहीं है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और जो हमने मिल्क पाउडर लिया था वो डाल देंगे इस स्टेज पर और अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है खोपरे में, आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मुश्किल से 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाती है मिठाई। बस अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। ये देखें, अब हमने इसको दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, निकाल लिया है। अब हम एक पोर्शन में इसके बिल्कुल फूड कलर डालेंगे, बिल्कुल 1 पिंच, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा ग्रीन कलर आ जाए। ये देखिए, अच्छे से हमारा ग्रीन फूड कलर मिक्स हो गया, कितना अच्छा कलर है। अच्छा, मेरे पास येलो कलर भी पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें हाफ पोर्शन में इसमें येलो कलर ऐड कर दिया। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, हल्का सा हाथ में ऑयल लगाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा लेंगे और यूँ करके इसकी बॉल बनाएंगे। ये देखें, अच्छे से ये बन गई है। अब हम इसको खोपरे में डालेंगे हल्के हाथों से और ये हमारी मिठाई रेडी है, और इसको ये हम इस तरह करके रख देंगे। इसी तरह हम सारी मिठाइयाँ अपनी रेडी करेंगे। ये देखें, हमारी मिठाई राउंड शेप में बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।